के गरियाबंद जिले की जहां पर किडनी प्रभावित सुपेबेड़ा गांव में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए की जा रही सरकार की तमाम घोषणाएं बेअसर साबित होती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के नुमाइंदे लगातार बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का दावा करते आ रहे हैं, लेकिन सुपेबेड़ा के हालात सुधारने के बजाय दिनों दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। 3 साल पहले शुरू हुआ किडनी मरीजों की मौत का सिलसिला बदस्तूर बढ़ता ही जा रहा है, जो अब 71 पर पहुंच गया है। यही नहीं, गांव में 200 से ज्यादा किडनी मरीज इलाज के लिए सुपेबेड़ा से रायपुर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सही इलाज नहीं मिल पा रहा। कल फिर से सुपेबेड़ा में एक किडनी मरीज अकालू मसरा की मौत हो गई। इसके बाद गांव में एक बार फिर से सन्नाटा पसरा हुआ है। अकालू मसरा के परिजनों ने बताया है कि वो कई साल से किडनी की बीमारी से पीड़ित था। कई निजी अस्पतालों में उसका इलाज भी कराया गया। महंगे इलाज और दवाइयों के भारी भरकम खर्चों में परिवार की आधी से ज्यादा जमीन बिक गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक के परिजनों के अलावा ग्रामीणों ने एक बार फिर से सरकार के वादे पूरे नहीं करने का आरोप सरकार पर लगाया है। शासन प्रशासन से मेरा गुहार है, जो हमारे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए मेरा शासन से गुहार है कि थोड़ा जो सुपेबेड़ा गांव है इसको थोड़ा ध्यान दूंगा, हॉस्पिटल दूंगा बोल के अभी तक बस वादा कर दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमारे गांव में इतना विधवा है, उनके खाने के लिए जीने के लिए कितना परेशान जा रही है। बाल बच्चे किसी का 4 किसी का 3 ऐसे हैं, सब तड़प तड़प के मर रहे हैं। शासन प्रशासन ने हमारे ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी भयावह और डरा देने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर एक बार फिर किडनी के मरीज की मौत हो जाती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे गरियाबंद से। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, किडनी प्रभावित मरीजों की मौतों का सिलसिला बदस्तूर जिले में जारी है, एक बार फिर से एक मरीज की मौत हो जाती है। जी शिवम, बिल्कुल, कि ये जो कल है अंकालू मसरा, हालांकि वो 70 साल के थे, लेकिन पिछले 3 साल से वो किडनी की बीमारी से ग्रसित थे और लगातार इलाज करा रहे थे। इस इलाज के दरमियान वो अपने जमीन और जेवर तक बेच चुके थे, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था सरकार बनने से पहले की जो हालात थी, सरकार बदलने के बाद ये उम्मीद था कि हालात और तस्वीर बदलेंगे, सिस्टम बदलेगा, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी यहाँ पे जो है सरकारी जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो बदलने में वर्तमान सरकार भी नाकाम रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 अक्टूबर को जो TSC थे वो दोबारा यहाँ पे गांव में आए थे, लोगों से सीधे संवाद किया था, वहाँ पे कमजोरी जानने की कोशिश की थी, क्यों इलाज नहीं करा रहे हैं इसको जानने की कोशिश किया था उन्होंने, और उसके बाद से ऐलान किया था कि यहाँ पे एक डॉक्टर की व्यवस्था के लिए उन्होंने घोषणा किया था। 5 तारीख को आदेश भी निकले थे, लेकिन वो डॉक्टर ने ज्वाइनिंग नहीं लिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने संवेदनशील मामला था सुपेबेड़ा का, वहाँ एक डॉक्टर की पोस्टिंग जो 5 तारीख को कर दी जाती है, लेकिन वो ज्वाइनिंग तक नहीं लिया, तो कितने गंभीरता से ये प्रशासन ले रही है, सिस्टम इसको कितनी गंभीरता से ले रही है, ये सोचने वाली बात है। तो बने रही हमारे साथ डॉक्टर नवरत्न, गरियाबंद जिले के CMHO हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, 71 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा सुपेबेड़ा में पार हो चुका है, 200 से ज्यादा मरीज हैं वो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के लक्षण साबित हो रही है, जो इनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा, मौतें लगातार होती जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं एकदम गलत है। एक्चुअल में जो वहाँ जो भी नेचुरल डेथ भी होती है, प्राकृतिक मृत्यु, उनको भी वो किडनी बीमारी से कोरिलेट कर देते हैं, ये गलत है। एक्चुअल में मीडिया को भी जानकारी लेना चाहिए एक्चुअल में क्या पेशेंट है, कैसा है। 70-80 ईयर के लोग मरते हैं, उसको किडनी से मर गया बोलते हैं, तो वो भी सही नहीं है। कुछ हद तक है, जिसके लिए प्रशासन स्तर से जो हमारे यहाँ शिविर भी लगाए जा रहे हैं रेगुलर, नेफ्रोलॉजी शिविर भी। डॉक्टर साहब, आंकड़े गलत हो सकते हैं, मान लिया आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन कल फिर एक किडनी के मरीज ने दम तोड़ा है, क्या ये बात सही है? ये भी आंकड़े गलत है, आप कह दीजिए गलत है, किडनी से पीड़ित नहीं था मरीज? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं था, हमारे लिस्ट के अनुसार वो किडनी से पीड़ित नहीं था। अब उसकी जानकारी और ली जाएगी, उनके पास कोई पुराने रिकॉर्ड से ही और ट्रीटमेंट कराए होंगे। हमारे जो गवर्नमेंट सेटअप में जो ट्रीटमेंट होता है, जो डायरी मेंटेन होती है, उसमें उसका नाम किडनी डिसीज वाले पेशेंट में नहीं है। अब वो कहीं प्राइवेट का कहीं से कराए होंगे उड़ीसा से, उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे, या यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ तभी समझ में आएगा कि वो सही में किडनी पेशेंट था। अदरवाइज हम तो नेचुरल डेथ मान रहे हैं, क्योंकि वो 75 ईयर एबव डेथ था, एबव एज था उनका, तो 75 ईयर्स ओल्ड था और किडनी की बीमारी से पीड़ित था, तो आप उसे नेचुरल डेथ मानेंगे?
नेचुरल डेथ इसे कहा जाए डॉक्टर साहब? सीएमएच में आप जिले के कैसी बातें कर रहे हैं? अगर किडनी से पीड़ित है तो किडनी से ही मानेंगे ना, किडनी अगर कोई क्रेज। लेकिन आप तो नेचुरल डेथ मान के, आप तो नेचुरल डेथ मानकर बात कर रहे हैं ना। हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसका नाम जो है किडनी पीड़ित मरीजों में नहीं है, उस एरिया में हम लोगों ने सर्वे कराया हुआ है, जो किडनी जिनके पीड़ित हैं किडनी डिजीज से, उन लोगों के नाम है हमारे पास, उसमें उनका नाम नहीं है, ये कह रहा था मैं। अभी भी 200 से ज्यादा मरीज पीड़ित हैं, उनके लिए क्या इंतजाम आते हैं अस्पतालों के भीतर? हाँ, हमारे पास वो जो है हमारा क्रिएटिनिन यूरिया लेवल जांच करने के इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास डायलिसिस यूनिट है, अब जैसे एमडी में डॉक्टर आ जाते तो हम चालू कर देते उसको। अभी हम ये व्यवस्था करके रखें कि हम अपनी वाहन से 108 से या प्राइवेट हमारी सरकारी एम्बुलेंस, हम जो है रामकृष्ण केयर हो या मेकाहारा या एम, सारे हॉस्पिटल्स में हम भेजते हैं उनको, पर वो पेशेंट अब हमारे सिस्टम में नहीं आके जैसे उड़ीसा चले जाते हैं कुछ जी, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए हम लोग नियमित शिविर लगा रहे हैं कि लोग हमारे सिस्टम से जुड़े और हमारे गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ले। जब हम फ्री में भिजवा रहे हैं, फ्री में ला रहे हैं, फ्री आपका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए। पेशेंट उड़ीसा चले जाएंगे तो सही बात है, आपके पास भी आंकड़ा कहाँ से आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया सीएम अजय साहब जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता लगातार पुरुषोत्तम पात्रा इसी खबर पर फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुरुषोत्तम, सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि आंकड़े गलत हो सकते हैं, मीडिया में गलत आंकड़े दिखाए जाते हैं, और जो कल जिस मरीज की मौत हुई है किडनी की बीमारी से, जो मरीज पीड़ित था, उसका ही बोल रहे हैं कि उनके पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। पुरुषोत्तम, लगता है तकनीकी खराबी के चलते पुरुषोत्तम से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जानकारी को साझा करने के लिए। खबर जान